प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल तेज हो गया है। ऐसे में आम जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे कार्यक्रम जनता की बात में हमारी टीम जिले के ग्राम छोटी ऊन और बनिहार पहुंची, जहां हम इस चुनाव को लेकर आमजन की राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनता की बात दिनेश दसुंदी के साथ, और जानते हैं इन दिनों गांव के लोगों का चुनाव को लेकर क्या रुझान है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसुंदी और जनता की बात कार्यक्रम में मैं आप लोगों को राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं दिखा रहा हूं, और राजनीतिक विषयों पर हम लोगों की राय, लोगों के परामर्श जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज जनता की बात में मैं आपको ग्राउंड पर ले चलूंगा, जमीन पर हम जानने की कोशिश करेंगे आम जनता के विचार, आम जनता की राय चुनाव को लेकर क्या है। इस बार के चुनाव में लोग किसको पसंद करते हैं और किसको अपना मतदान करेंगे, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आज हम मौजूद हैं ग्राम छोटीउन में और छोटीउन के साथ बनिहार से लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। जनता की बात में हम लोगों के विचार जानने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव में उन लोगों का क्या मत है, ये जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर देंगे और चर्चा में इस तरह के लोगों के वक्तव्य जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यक्ति विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, पार्टी, जाति, वर्ग, संगठन और व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही किसी का विरोध करते हैं। और यहाँ जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, यानी कि हमारे चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम लोगों की राय जानने के लिए ऊन और छोटी ऊन और बनिहार के गाँव के लोगों की राय जानते हैं। इलाका से हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं बलिराम मंडलर। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे? हाँ। कमलनाथ जी के ऐसे कौन से काम हैं जिससे आप बड़े खुश हैं और कमलनाथ जी को मतदान करने का सोच रहे हैं? कमलनाथ ने पिछले 18 महीने की सरकार में जो वादे किए थे उसमें सब पे अमल किया है। सब पे अमल किया है। किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने के लिए 3 चरण में बोला था, तो उसका दूसरा चरण का अभी अपने वन सोसाइटी में भी फार्म जमा है कर्ज माफी। अच्छा, कई लोगों का सरकारों ने सरकार को गिरा दी, इसके वजह से कई लोगों का आपके गांव में ही कुछ लोगों का ये कहना है कि कोई कर्जा माफी नहीं हुई है। नहीं, वो उनको समझाने के लिए तो हमारे पास लिस्ट है ना, अभी बता देंगे कि छोटी उनमें कितने कर्जे माफ हुए हैं। खरगोन में किसकी जीत होगी, क्या लगता है, रवि जोशी या बालकृष्ण पाटीदार? खरगोन में तो कांग्रेस ही जीत रहे, भैया आगे चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका दादा? क्या नाम है? हमारा मंडल। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं के लिए योजनाओं के लिए खास जानी जाती है। महिलाओं के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं चालू की, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। हमारे साथ एक महिला जुड़ रही है, क्या नाम है आपका? भारती मंडल। अभी चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे चुनाव के ऊपर? अभी दीपावली के बाद ये लोकतंत्र का त्यौहार बहुत बड़ा है, ये मतदान करना हमारा अधिकार है, तो सभी ने मतदान करना चाहिए। अच्छा, सभी ने मतदान करना चाहिए, अपील कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, शिवराज सिंह से आप कितने संतुष्ट हैं? शिवराज सरकार से कितने संतुष्ट हैं? आपको उनके काम अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं हम। उन्होंने सभी के लिए, जैसे बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, हम बहनों के लिए अभी लाडली बहना योजना चालू की है। अच्छा। कोई महिला, अधिकतर महिलाएं इससे संतुष्ट है, तो मैं यही कहूँगी कि हमारा वोट भैया जी को जाए। अच्छा, आप शिवराज सिंह जी को अपना वोट देंगे, उनके कामों से संतुष्ट हैं? हाँ। खरगोन में क्या लगता है आपको, खरगोन में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस? अब भैया जी के इससे तो लगता है कि बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। मतलब शिवराज को देखकर आप खरगोन में वोट करोगे तो भारतीय जनता पार्टी खरगोन जीतेगी? हाँ हाँ। गाँव में हमारी चर्चा को देख करके बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, हमारे साथ एक और जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? पंडित साधो। साधो जी, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, बालकृष्ण पाटीदार या रवि जोशी? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार से आप संतुष्ट? बालकृष्ण पाटीदार ने से कौन से काम किए? सभी काम किए, पेंशन मिल रही, विधवा पेंशन मिल रही, विकलांग पेंशन मिल रही है, लाडली बहनों को पेंशन मिल रही है, टोटल और अच्छा काम मिल रहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि महिलाओं को आप भारतीय जनता पार्टी केवल 1000 रुपये, 1250 रुपये दे रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं 1500 रुपये देंगे। पहले ये दे क्या,
अच्छा। कोई कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें हैं। अच्छा, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, मतलब कमलनाथ जी आपको लगता है झूठा वादा कर रहे हैं? और कमलनाथ जी झूठा वादा कर रहे हैं, पैसे नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या देखते हो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह फिर से एक बार सरकार बना रहे हैं क्या? बराबर बनेगी, बनेगी सरकार, ये मेरा दावा है। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 90%। हम आपको कहें कि शिवराज को 10 में से आपको अंक देना है, कितने अंक दोगे? 99%। अच्छा, 99%, मतलब 9 नंबर कम से कम आप देंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, ग्राम मनिहार में भी चुनाव का एक माहौल बन चुका है, और चुनाव के माहौल में, इस माहौल में लोग अपने अपनी राय रखने लगे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। आज हम ग्राम मनिहार में ही लोगों की राय जान रहे हैं। हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं, युवक जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाटीदार। जितेंद्र भाई पाटीदार, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस, कमलनाथ चाहिए हमको। कमलनाथ चाहिए आपको। किसानों के लिए कमलनाथ ने ऐसा क्या किया है जो आप किसान कमलनाथ जी को पसंद करते हैं? 2 लाख का कर्जा जो बोला था वो माफ़ किया। बीजेपी ने जो मतलब मांग करी थी वो पूरी नहीं करी। अच्छा, बीजेपी ने क्या कहा था आपको, क्या मांग? कर्ज माफ़ी के बारे में बीजेपी ने बोला था। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि कमलनाथ जी ने किसी का कर्जा माफ़, बीजेपी हमेशा अक्सर ये कह रही है कि कमलनाथ जी ने कोई कर्जा माफ़ नहीं किया और किसानों के साथ छल किया। किसानों के साथ बहुत बढ़िया किया, छल तो बीजेपी करती आ रही। अच्छा, बीजेपी किसानों के साथ छल कर रही है? कर रही है। अच्छा, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि में 2,000 रुपये देते हैं, और उसी को बढ़ाते हुए शिवराज सिंह 4,000 रुपये अतिरिक्त करते हुए 10,000 रुपये देते हैं। किसानों के लिए काम करते हैं और आप कह रहे काम नहीं करते, क्या लगता है? तो महंगाई बढ़ा रहे हैं ना, 2,000 रुपये दे रहे हैं तो किसानों के पास से पैसे भी ले रहे हैं, किसानों के पास आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह की महंगाई बढ़ी आपको क्या लगता है? डीजल, पेट्रोल, तेल, खाने पीने चीज़ें में सब डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी चीज़ें भी कम करते जा रहे हैं, हमारा कपास का भाव कम दे रहे हैं, सोयाबीन का भाव कम दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं महंगाई आपको लग रही कि महंगाई इस चुनाव में शिवराज की हार का कारण बनेगी? हाँ, बनेगी, महंगाई के कारण उसका हार का कारण बनेगी। अच्छा, महंगाई को लेकर के ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे महंगाई बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, तो महंगाई का प्रभाव इस बार के चुनाव में क्या लगेगा? आपको लगता है कि महंगाई कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगी? कर रही है, प्रभावित करेगी, महंगाई इनको मतलब हराएगी, महंगाई के कारण ही हारेंगे। अच्छा, महंगाई के कारण हर किसान, हर कर्मचारी सब परेशान है। जनता की बात में हम मौजूद हैं छोटून के एक चौराहे पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? कड़वा भाई। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, कौन जीतेगा? कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। थोड़ा जोर से बोलिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी। कांग्रेस ने ऐसे कौन से काम किए कि फिर से जनता उन पर विश्वास करेगी? उन्होंने काम किया है। अच्छा, क्या काम किए हैं? एक दो काम किए? किसानों के कर्ज माफ़ किया। किसानों का कर्ज माफ़ किया। इस बार भी कमलनाथ कह रहे हैं कर्ज माफ़ी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हो जाएगी कर्ज माफ़ी? बिल्कुल। अच्छा, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार है और रवि जोशी है, रवि जोशी कांग्रेस से, बालकृष्ण पाटीदार बीजेपी से, किसकी जीत होगी क्या लगता है? हमको तो लगता है इसकी होगी, क्या उसका नाम रवि भाई की, रवि भाई जीतेंगे। बिल्कुल। रवि भाई ने ऐसे कौन से काम किए आपके गांव में, एक दो दो चार काम किए हो बता दीजिए, गिना दीजिए। हमको एक सामुदायिक भवन दिया 5 लाख का। 5 लाख रुपये का सामुदायिक भवन दिया? हाँ। और हमारे गुजर समाज में 3 लाख रुपये दिए। 3 लाख रुपये दिए गुजर समाज को। अच्छा, सामुदायिक भवन के अलावा गांव में विकास के कार्य उन्होंने किए? किसने? रवि जोशी ने। नहीं तो अभी तो उसका काम नहीं हुआ, उसके बाद में भी हुआ। अच्छा, खरंजा वरंजा ऐसे हुए। अच्छा, बालकृष्ण पाटीदार भी सामुदायिक भवनों के लिए जाने जाते हैं, गांव-गांव सामुदायिक भवन, लगभग 56 गाँवों में उन्होंने 104 सामुदायिक भवन दिए थे। तो बालकृष्ण पाटीदार को आप क्यों पसंद नहीं करते, क्या कारण है? पसंद का कारण कहीं नहीं है, हम कांग्रेस है तो हम कांग्रेस। अच्छा, आप कांग्रेस को समर्थन करते हो इसलिए कांग्रेस को ही वोट दोगे? हाँ। मध्य प्रदेश में इस बार यदि कमलनाथ की सरकार बनती है, कमलनाथ जी कह रहे हैं गैस टंकी के भाव 500 रुपये 450 रुपये में गैस की टंकी देंगे और महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, क्या जनता इन वादों पर विश्वास करेगी? नहीं, अब करे या ना करे वो तो आप बोल रहे हैं। अच्छा, ग्राम मनियार में मेरे साथ एक और कृषक जुड़ रहे, क्या नाम है आपका? श्याम भाई। श्याम भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या स्थितियाँ रहेगी, किसकी जीत होगी? कमलनाथ की। कमलनाथ की जीत होगी। कमलनाथ जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं 18 महीने में, कौन कौन से काम किए हैं? कमलनाथ किसान के हित में रहता है और सदा किसान के हित में रहेगा।
शिवराज सिंह को लोग कहते हैं किसान के हित में शिवराज सिंह ने बहुत सारे काम किए, नहीं किए कुछ भी नहीं किए। ये क्या है, कर्मचारियों को देता है ताकि किसानों के पक्ष में नहीं रहता है। और क्या है कि जो मजदूरी बढ़ रही है जो शिवराज सिंह की वजह से ही बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है। हाँ, तो प्रति व्यक्ति यदि आय बढ़ रही है तो लागत बढ़ती है, तो कई तरह से आपको किसानों को लोग ये भी कहते हैं कि कपास का भाव कहाँ गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कहाँ ज़्यादा हो गया, अभी 6,000 7,000 6,000 का कपास बिक रहा है, जो 7,000 का कपास आज के 10 साल पहले बिक चुका है। 2,000 में बिनवा रहे हैं। अच्छा, कपास के भाव भी 10 रुपये किलो बिनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य से आपको असंतुष्टि है। हाँ, कमलनाथ जी कह रहे हैं गेहूँ का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे 2600 रुपये करेंगे। हाँ, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से रवि जोशी। कौन जीतेगा, क्या लगता है? जोशी जी जीतेंगे। आप एक पाटीदार वोटर हैं और सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी बात चलती है कि वोट जात को। अच्छा। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी, बहुत फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ लग रही है कि वोट जात को, यानी जात का है। तो क्या आपको लगता है कि ये जात का माने अपन जात का है, बाकी क्या है किसानों का जो फायदा करेगा। किसानों को आज ये मान के चलो कि स्वयं कमाना है, कहीं आदमी जीतने के बाद तो नहीं देगा। अच्छा, ऊँची वो संभालेंगे, किसान को तो स्वयं करना है ना। किसानों को सब मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है किसान का फायदा जहाँ है वहीं देगा। यहाँ बिजली माफ है, कर्ज माफी है, गैस टंकी 500 में है, तो फिर कहाँ देगा किसान। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि किसानों के लिए शिवराज सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर रहे। हाँ, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई। शिवराज के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट रहे? आपको बोले कि 10 में से किसान के हित में 0 रहे। 0 रहे। हाँ, आपको बोले 10 में से कितने अंक देंगे आप? 0 अंक। शिवराज सिंह को ये भाई साहब 10 में से 0 अंक देंगे। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह से किसानों के असंतुष्टि बता रहे हैं। इनका कहना है कि समर्थन मूल्य को लेकर नाराजी है और कई मुद्दों को लेकर किसान नाराज है, इनका ये कहना है। ग्राम चोटियों में ही मेरे साथ एक शख्स जुड़ रहे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम जी पटेल है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, भाजपा दावा कर रही है एक बार फिर से सरकार बनाएगी, आप कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार बनेगी, क्या क्या रहेगा? देखो, भाजपा तो हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ की सरकार है। कमलनाथ जी ने जो कहा वो किया और जो वादे किए वो करके बताए। इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीट लेकर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। अभी हमने आपके गांव में बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ी का कहा था, कर्ज माफ़ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने जो कर्जा माफ़ी की मुहिम चली थी, कर्जा माफ़ी हुआ, 22 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ हुआ, हमारे यहाँ भी किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, रायगढ़पुरा में भी हुआ। आज हमारे पास अभी भी हमारे गांव की लिस्ट है, 39 किसानों का कर्जा हमारे यहाँ 50,000 तक का हमारे यहाँ भी हुआ। क्या लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार गिर जाएगी आपको लगता है? शिवराज की सरकार जो झूठ बोलते हैं वो ज़्यादा समय लंबा समय तक नहीं टिकते। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है कौन जीतेगा, बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी? खरगोन में माननीय विधायक रवि जोशी जी जीतेंगे, क्योंकि वो एक सेवक है, कर्मठ विधायक है और उन्होंने जो भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम किया, सरकार में न रहते हुए उन्होंने जो वादे किए, जो काम किए वो वादे पूरे किए। अक्सर चुनाव में ये देखा जा रहा है, पिछले हर चुनाव का आप एक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है और हर चुनाव को धर्म से लड़ा जा रहा है, हर पार्टी धर्म से जोड़ देती है चुनाव को। और पिछले दिनों रवि जोशी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या लगता है, क्या धर्म चुनाव का हिस्सा होना चाहिए? देखो, धर्म सभी लोग पार्टी के लोग धर्म को मानते हैं, तो बीजेपी वाले क्या है कि एक धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, राम मंदिर और जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है, वो तो एक जनता की सेवा के लिए काम करती है। सोशल मीडिया पर एक सबसे बड़ी बात अभी चल रही मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को वोट दीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत ये ट्रेंड चल रहा है कि हिंदुत्व को वोट दीजिए और हिंदुत्व के नाते वोट मांगे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, ये क्या है कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं एक स्पष्ट कहता हूँ कि हिंदू न खतरे में न मुसलमान खतरे में, खतरे में है तो बीजेपी की सरकार खतरे में। पिछले दिनों रवि जोशी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रवि जोशी जी कह रहे हैं खरगोन दंगे की जांच करवाएंगे। वीडियो कितना सच्चा है हम इसकी इस चीज़ का दावा नहीं करते कि वीडियो कितना सच्चा है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव चुनाव पर दिखेगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखेगा इनका, कोई चुनाव पे कोई प्रभार वो नहीं दिखेगा। ये तो केवल बीजेपी वाले ऐसी हवा उड़ा रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम बनिहार में, यहाँ पे कुछ किसान लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? महाराम पाटीदार। इस बार चुनाव आ गया, चुनाव नजदीक आ गया, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? कमलनाथ की। कमलनाथ की सरकार बनेगी। ऐसे कौन से काम कमलनाथ के आपको पसंद है जो उनकी सरकार? कमलनाथ ने माप का बोला था तो हुआ। अच्छा, कर जमा बाद में सरकार गिरी तो कैंसल हुआ। अच्छा, सरकार गिरने की वजह से कर्ज माफी नहीं हुई। हाँ, तो आपको लगता है कि इस बार कर्ज माफी का जो वो पेतरा चल रहे हैं, जो दाव लगा कर चल रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, हाँ? वो वादा जमीन पर उतरेगा? हाँ। अच्छा, लोग विश्वास करें? उतरेगा ना, लोग 5 साल से परेशान है कर्जे के मारे, मर रहे हैं। अच्छा, किसान लोग परेशान है कर्जे के मारे। शिवराज सिंह के राज में किसानों के ऊपर कर्जा हो रहा है। हाँ। अच्छा, शिवराज सिंह की सरकार, भाजपा ये कहती है, हाँ? कि शिवराज सिंह की सरकार एक नंबर सरकार, मतलब बहुत अच्छी सरकार है। उन्होंने कई विकास कार्य किए, लाडली बहनों को 1,000 रुपये दे रहे हैं, किसानों का ब्याज माफ किया। 1500 नहीं, वो तो ये 1500 बोल रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी 1500 रुपये देंगे? हाँ, टंकी 500 में बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि कमलनाथ जी ये तो बीजेपी वाले तो सरकारें गिराने में लगे हैं, पैसे उधर दे दिए, इधर किसानों की मां चूत गई। अच्छा, शिवराज सिंह को पैसे 1,000,000,000 रुपए दिए, गिरा दी सरकार। सरकार गिराने के लिए शिवराज सिंह महाराष्ट्र में गिरा दी सरकार। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? घनश्याम पाटीदार। घनश्याम पाटीदार, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सरकार बराबर आएगी, पार्टी बराबर आएगी, मतलब कसम कस का मामला रहेगा। कसम कस। खरगोन में क्या रहेगा? खरगोन में भी यही है, अभी रवि जोशी का भी यही है और बालकृष्ण पाटीदार का भी यही है। बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी के बीच कसम कस की टक्कर है, टक्कर रहेगी। आपको क्या लगता है खरगोन में कौन जीतेगा, रवि जोशी या बालकृष्ण पाटीदार? रवि जोशी। रवि जोशी जीतेगा। रवि जोशी जी ने आपके गाँव के अंदर काम किए हैं? अच्छा, क्या क्या काम किया आपके गांव में? 35 लाख का काम किया। 35 लाख, 18 लाख की पाइपलाइन करवाई, 5 लाख का खर्चा, 7 लाख रुपए इधर भवन मैंने इसमें दिए। अच्छा, पाइपलाइन कहाँ की करवाई है? पानी की। अच्छा, पानी पीने का नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ये नहीं देते तो मर जाते की। अच्छा, नल जल योजना तो केंद्रीय गवर्नमेंट का, लोग बीजेपी है, केंद्रीय गवर्नमेंट वाले तो गड़े नहीं, उसके तो पैसे 20 लाख निकाल के खा गए, अभी आ दीजिए। अच्छा, ये तो बेची वाली गाड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है? कृष्णलाल पाटीदार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? ये कमलनाथ। कमलनाथ की सरकार बनेगी। कई किसान, हम जब बातचीत करते हैं तो कई किसान कहते हैं कि कमलनाथ जी ने उनका कर्जा माफ नहीं किया, क्या लगता है इस बार कमलनाथ जी कह रहे हैं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे? 50 तक हुआ नहीं। अच्छा, सरकार गिर गई। अच्छा, सरकार गिर गई इसलिए कर्जा माफ नहीं। इस बार कमलनाथ जी फिर से एक बार कह रहे हैं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, क्या आप किसान उन पे विश्वास करेंगे? हाँ, बराबर करेंगे। पहले 50 हुआ तो, पहले 50 हुआ तो आप भी 2 लाख हुआ नहीं तो देंगे नहीं। अच्छा, सरकार बने। आपको लगता है कि एक बार इस बार कमलनाथ जी पूरा कर्जा माफ आपका कर देंगे? कर देंगे। खरगोन में क्या लगता है, खरगोन में कौन विजयी होगा, किसकी जीत होगी, क्या लगता है? रवि जोशी। रवि जोशी जी जीतेंगे। रवि जोशी जी, आपके गांव में क्या क्या काम किए रवि जोशी जी? हमारे गांव में पाइपलाइन करवाई, ट्यूबवेल करवाया। अच्छा, रवि जोशी जी ने आप क्या काम किए हैं 5 साल के विधायकी में? रवि जोशी जी आप लोगों के संपर्क में रहे हैं, कभी कभी आप लोगों के बीच में आए? आए आए, आप लोगों के काम करते हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार रही, शिवराज के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है, क्या लगता है? इन्हें हुआ, खा गए सब 50%। तो क्या रहा शिवराज सिंह का? शिवराज सिंह तो अब कह नहीं सकते क्या किया उन्होंने। 9 साल में शिवराज सिंह फिर लौटेंगे? शिवराज नहीं लौटेंगे, क्या लगे तो लगता है? अभी तो बरसा नहीं, बरसा गया। क्या लगता है शिवराज सिंह का? शिवराज सिंह का क्या कह रहे थे? गए गए, उसको तो मोदी जी हटा रहा है तो हम क्या हटाएंगे। छोटून के चौराहे पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मंडलोई। सुंदरलाल मंडलोई जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? इस बार में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, शिवराज फिर से बैठेंगे, क्या कारण है? बीजेपी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि बीजेपी सरकार ने, शिवराज सिंह ने कई योजनाओं का लाभ दिया है जनता को। अच्छा, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना और सड़कें अच्छी बनवाई है। सड़कें अच्छी बनवाई, आपके इधर विकास के कार्य हुए हैं? हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से काम हो गए आपके गांव में छोटून में? छोटून में बहुत सारे काम हुए हैं और समिति में जो ब्याज दर है वो बिल्कुल बंद कर दी है। कमलनाथ कह रहे हैं आप लोगों का किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
ऐसा होता नहीं, क्योंकि पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। अच्छा, पहले के आपको लगता है पहले किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कमलनाथ तो कहते हैं कि बहुत सारे तो, किसान वो तो केवल झूठ का फुलिंदा बना रहे हैं। अच्छा, इस बार भी कमलनाथ कह रहे हैं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे किसानों को? नहीं होगा। अच्छा, कर्जा माफ नहीं होगा? नहीं होगा। खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से रवि जोशी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बालकृष्ण पाटीदार जीतेगा। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रहे हैं, आपके गांव में उन्होंने काम किए ये है ना, बहुत सारे काम किए हैं, समाज की धर्मशालाएँ बनाई है, गुजर समाज की धर्मशाला बनाई है, आदिवासी समाज की धर्मशाला बनाई है, और बालकृष्ण पाटीदार यदि चुनाव में जीतते हैं तो शिवराज सिंह की सरकार बनती है, और अभी मध्य प्रदेश में देखो या भारत देश में देखो नेतृत्व उनका अच्छा है। अच्छा है, मोदी जी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ, मोदी जी की वजह से ही। मोदी जी की वजह से। हाँ, बीच में ऐसी चर्चा सुनी है, लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह को बदला जाएगा, आप मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह को देखना चाहेंगे या दूसरे शख्स को देखना चाहेंगे? ये तो उनके विधायक दल की बैठक जो भी निर्णय लेगी वो मान्य रहेगा, विधायक दल की बैठक में होगा। पर आप किसे पसंद करते हैं, शिवराज सिंह या दूसरा चेहरा पसंद, नया चेहरा बदलना चाहिए? अभी उस हिसाब से तो शिवराज सिंह ही अच्छे हैं। शिवराज सिंह अच्छे हैं, उनके विधायक दल जो भी तय करेगा वो मान्य। आपका क्या नाम है? महिमाराम पटेल। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आपके यहाँ बीजेपी ने विकास किया है? विकास किया है। खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी कांग्रेस से, बालकृष्ण पाटीदार बीजेपी से, क्या लगता है कौन जीतेगा? बालकृष्ण पाटीदार ही जीते। मध्य प्रदेश में चुनावी संकनाद के साथ अब कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल बन चुका है, और चुनाव का माहौल अब देखने लगा है, चुनाव के रंग में हर गांव रंगने लगा है। हम आज जनता की बात में आपको लेकर आए हैं ग्राम छोटियून में, और यहाँ पे ग्राम छोटियून के कुछ किसान अपनी मिर्चियों को सुखा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे राय जानते हैं कि आम जनता क्या कहती है इस चुनाव को लेकर, उनका पक्ष किस पार्टी की ओर है, किस दल की ओर है, किसे ज़्यादा पसंद करते, जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम भाई। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? जीतना को तो कहा है, अब वो तो ऐसी भी औंधी बाजी मारी जाए लो, कहीं वहाँ से जरूरी थोड़ी छेती कौन जीतेगा। फिर भी आपको कौन लगता है कौन जीतेगा? नहीं भाई, हम तो सीधी हमारा शिवराज मामा को जीता डांगा सर। शिवराज मामा को जिताओगे आप? हाँ। शिवराज सिंह ने ऐसा क्या दिया है आपको? वो शुरू से आखिरी तक हमको 15 साल को साथ दे रहे। 15 साल का साथ दे रहे हैं। आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? बहना को या फायदो मिली रो, फिर हमारा बच्चा ना को फायदो मिली रो। अच्छा, आपके बच्चों को क्या फायदा मिला है? पढ़ाई का बारा मो, फिर आवासो थी भाई भणी रहा हमारा बाड़ो की बढ़िया माँ को फायदो मिली रो। अच्छा, ये बारहवीं वाला ना तो मिलो फायदो। अच्छा, तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह की सरकार रहेगी? पर लोग तो ऐसा कह रहे हैं शिवराज सिंह को बदलेंगे। देखो, सच्चाई तो आग में भी बोलती है। अच्छा, सोनू कदी नहीं आग में बोलियो नहीं। अच्छा, कदी भी वो कुछ फायदो तो होएगा सच्चाई को। खरगोन में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, रवि जोशी है बालकृष्ण पाटीदार किसकी? ये तो छे नहीं, कही नहीं सकता थी कौन जीते। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार फिर से देखना चाहते हैं? हाँ, हम तो देखना उचित चाहें, न शुरू से आखिरी तक। अच्छा, जो किसान को फायदो करेगा। अच्छा, शिवराज सिंह ने किसानों के क्या फायदे किए, क्या क्या आपको लगता है किसानों के लिए शिवराज ने क्या किया है? हाँ भाई, ये कहीं मक्का मालूम नहीं है, वही हमारे साथ छोटून के एक किसान जुड़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिर्ची को सुखाया जा रहा है। क्या नाम आपका? देवराम भाई। क्या लगता है इस बार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए, कैसे संतुष्ट हैं आप बीजेपी से? बहुत सारा काम। अच्छा। लाइन सबसे पहला काम, लाइन से 60। अच्छा, लाइन मतलब बिजली? हाँ, मोटर ना जलती नहीं, अच्छी चल रही। अच्छा, और समिति का कर्जा माफ, ये ब्याज माफ समिति का ब्याज माफ, बहुत फायदा हुआ। बिजली आपको मिलने लगी और समिति मतलब कर्जे ब्याज माफ हुआ है। कमलनाथ जी कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, कोई करे नहीं। अच्छा, पिछले साल उनका कहना है कि हमने बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ किया था, फिर भी आप शिवराज को पसंद करते हैं? नहीं हुआ नहीं कर्जा, अब हम भी तो किसान ही है। अच्छा, आप किसान हैं, आपका कर्जा माफ हुआ नहीं था? नहीं हुआ। इस बार भी कमलनाथ कह रहे हैं कर्जा माफ करेंगे? अरे नहीं, वो धोखा है सिर्फ, धोखा दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है शिवराज सरकार बनाएंगे? हाँ।
शिवराज सिंह ने आपके गांव में, आप छुटुन के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के, आपके इधर आपके गांव में काम किए? हाँ काम किए, काम किए। खरगोन विधानसभा में रवि जोशी और बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा से बालकृष्ण पाटीदार और कांग्रेस के रवि जोशी, क्या लगता है कौन जीतेगा? पाटीदार जीतेगा, पाटीदार जी जीतेंगे। पाटीदार जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और आपके क्षेत्र में कामकाज उन्होंने अच्छा किया है? हाँ अच्छा किया है। अच्छा, बालकृष्ण पाटीदार को आप पसंद करते हो, क्या क्या आप उनमें क्या खूबी देखते हो? नहीं वो तो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। आज की जनता की बात कार्यक्रम में इतना ही, आगे एक ऐसी चर्चा के साथ हाजिर हूँ। आज हमने ग्राम छोटून और बनिहार के लोगों की राय, परामर्श और विचार जानने का प्रयास किया, उनसे जाना कि वे इस चुनाव में किसको तवज्जो देते हैं, विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। आगे एक ऐसी चर्चा के साथ हाजिर होऊंगा, उसके पहले SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश आप सभी से अपील करता है कि लोकतंत्र का ये जो पर्व 17 नवंबर को आने वाला है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत में लोकतंत्र का ये पर्व, वोटिंग का पर्व 5 साल में एक बार आता है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी मतदान करें। तो SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश आप सभी से अपील करता है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति यानी अपना वोट जरूर दें। आप मतदान किसी को भी करें, किसी भी पार्टी को करें, किसी भी व्यक्ति को करें, लेकिन अपना मतदान जरूर करें। SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश आप सभी से विनम्र अपील करता है कि मतदान के दिन यानी 17 नवंबर के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ मतदान के अवसर पर अपना मतदान अवश्य करें। और मुझे इजाज़त दें, कैमरा पर्सन दुर्गेश सहयोगी दुर्गेश दसौनी के साथ एक बार फिर से मैं इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर ऐसी एक रिपोर्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।